नाउ वी गोइंग टू स्टडी अबाउट टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है? आपने अभी तक माइक्रोस्कोप पढ़ा। माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं पास की चीज़ों को और ज़्यादा जूम करके देखने के लिए, और ज़्यादा अच्छे से बड़ा करके देखने के लिए। पर टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज़ यूज टू व्यू इमेज जो हमारी बहुत ही ऑब्जेक्ट जो काफ़ी डिस्टेंस पे, जैसे स्टार, प्लैनेट्स, उन सबको देखने के लिए हम जो यूज़ करेंगे, दैट डिवाइस इज नोन एज टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू व्यू इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली एट, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फार डिस्टेंस पे है। सो टेलीस्कोप यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं। वी गोना फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सेकेंड वन इज गैलीलियन टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, नॉट गैलीलियन, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप विच कैन ऑल्सो नोन एज कैसेग्रेन। सो नाउ वी गोना स्टडी अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसा होगा? दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से रे पास कर रहे हैं एंड रेज आर कमिंग पैरेलल, एक रे को हम सीधा भेज रहे हैं फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड अदर रे विच इज कमिंग पैरेलल, इट इज गोइंग लाइक दिस इन दिस मैनर एंड बोथ रेज इस सरफेस से पास कर रही है एंड अगेन हेयर वंस अगेन देयर विल बी रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन कैसे होगा? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू सो दिस विल बी योर This is your image. आपकी आँख है यहाँ पे, your eyes at here. So light are coming from infinite. Infinite से आ रही है, हम उसको थोड़ा tilt इसलिए कर रहे हैं because अगर आप उसको सीधा रखोगे तो focus एक point बनेगा, but हमें एक extended object चाहिए, so we need, हमने उसको थोड़ा सा tilt कर दिया और आपकी जो focal length होगी वो यहाँ से ये point होगा। मेक श्योर आपका फोकस दिस टाइम, दिस इज योर फोकल लेंथ एफ नॉट, ये पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रे को सीधा करते तो इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट ऊपर आ जाता, सो दिस विल बी योर फोकस। और यहां से ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर यू ई, बिकॉज जो आंख के पास है विच इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के पास है सॉरी, एंड विच इज नियर टू आई विच इज आई पीस। सो हम दिस एंगल आई एम सेइंग अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, आई एम जस्ट राइटिंग दिस स्मॉल थिंग। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, इसकी हाइट एच बोल रहे हैं। सो नॉट दिस अल्फा, दिस वन, दिस एंगल, एंगल मेड बाय ऑप्टिकल सेंटर से जो एंगल बन रहे हैं उसको बोल रहे हैं, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। तो अल्फा कितना होगा? हाइट अपॉन दिस वन, दिस वन कितना है फोकल लेंथ, सो अल्फा विल बी एच बाय एफ नॉट, बिकॉज दिस इज एफ नॉट एंड दिस इज यू ई। बीटा कितना आएगा? एच बाय यू ई। क्लियर है? अल्फा आपका कितना है? हाइट अपॉन बेस। बीटा कितना है? हाइट अपॉन बेस। सो बेस कितना है यहाँ पे? एफ नॉट। इधर कितना है? यू ई। योर मैग्नीफिकेशन पावर विल बी, मैग्नीफाइंग पावर एम विल बी बीटा बाय अल्फा का मोड। सो एम इक्वल टू बीटा बाय अल्फा की वैल्यू कितनी है? मोड नहीं आएगा वैसे, आई एम जस्ट बीटा बाय अल्फा। बीटा कितना है आपका? एच बाय
यू ई एंड अल्फा इज एच बाय एफ नॉट, कितना बनेगा एम इक्वल टू एफ नॉट बाय यू ई। एंड अगर आप इसको कन्वेंशन के साथ लोगे तो बीटा और अल्फा आपका एक क्या है, ये दोनों एक आपका एक्स के इस तरफ जा रहा है नेगेटिव, ये आपका कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज एंड दिस इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, सो आपका एंगल जो है वो एक नेगेटिव होगा, सो योर आंसर विल बी माइनस एफ नॉट बाय यू ई, क्योंकि आपकी जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, सो दिस इज योर मैग्नीफिकेशन। नाउ वी हैव टू कंसिडर टू केसेस, आपका मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है माइनस के एफ नॉट बाय यू ई, फर्स्ट केस नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड सेकेंड केस जनरल केस। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट योर फाइनल इमेज शुड बी एट इनफाइनाइट, दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट शुड बी एट फोकस ऑफ दिस आई पीस, तो यू ई आपका कितना बन जाएगा एफ ई, यू ई बिकम्स एफ ई, सो आपका मैग्निफिकेशन आएगा माइनस एफ नॉट बाय एफ ई। एंड जनरल केस में क्या होगा, फाइनल इमेज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, उस केस में वी कैन राइट अगेन लेंस फॉर्मूला 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ एंड वी विल बी नेगेटिव बिकॉज हमारा उसी तरफ बनेगा, सो माइनस 1 बाय डी यू ई बिकम नेगेटिव माइनस 1 बाय यू ई इक्वल्स टू 1 बाय एफ ई एंड एफ ई इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स लेंस, सो यू ई बिकम्स 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एट हेयर, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है माइनस के एफ नॉट 1 बाय यू ई, 1 बाय यू ई की जगह क्या रखोगे वैल्यू रख देंगे, सो वी गोना फाइंड एम इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी, एफ ई कॉमन ले लेंगे सो एम विल बी माइनस एफ नॉट बाय एफ ई, एफ ई कॉमन आ गया सो 1 प्लस एफ ई डी है तो एफ ई का मल्टीप्लाई एफ ई बाय डी, सो योर मैग्निफिकेशन इन जनरल केस वेयर इमेज इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जर्वर जो मिनिमम डिस्टेंस है, सो योर इमेज विल बी देन मैग्निफिकेशन इज माइनस एफ नॉट बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी, दिस इज योर मैग्निफिकेशन। सो दिस इज योर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसमें हमने क्या किया है, जो आपका स्टार गैलेक्सी इसकी तरफ, यहाँ पे आपके स्टार गैलेक्सी कुछ भी है प्लैनेट जिसको हम देख रहे हैं जिसका फेस उस तरफ होगा दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड यहाँ पे मेक श्योर फोकल लेंथ एंड एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मोर देन आईपीस, लेंस में सॉरी माइक्रोस्कोप में जस्ट अपोजिट था, फोकल लेंथ एंड एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन आईपीस, इन दिस केस ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एंड आईपीस सॉरी फोकल लेंथ एंड एपर्चर ज़्यादा होगा ऑब्जेक्टिव का एंड आईपीस का क्या होगा कम होगा, जो आँख के पास है उसका कम होगा और जो ऑब्जेक्ट की तरफ है टेलीस्कोप में आपने देखा होगा जो स्टार की तरफ फेस होता है उसका जो होता है एपर्चर ज़्यादा होता है और जो हमारी आँख की तरफ होता है उसका क्या होता है कम होता है। नाउ उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया एंड वी हैव जस्ट प्रूव दैट थिंग, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब कितना होगा, दिस इज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दो लेंस के बीच की जो लेंथ होती है विच इज नोन एज लेंथ ऑफ ट्यूब, सो लेंथ ऑफ ट्यूब कितना होगा एफ नॉट प्लस यू ई, क्योंकि आपकी इनिशियली तो हमेशा रे कहाँ से आएगी इनफाइनाइट से आएगी तो पहली इमेज तो हमेशा कहाँ बनेगी एफ नॉट पे, ये फिक्स है फर्स्ट इमेज विल फॉर्म एट एफ नॉट एंड सेकेंड वो उसके लिए क्या काम करेगी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। नाउ अगर ये क्या हो नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट यू ई क्या होता है एफ ई, सो लेंथ ऑफ ट्यूब फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट विल बी एल इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई बिकॉज यू बिकम्स एफ ई, वरना क्या होगा यू ई यहाँ पे आपने अभी कैलकुलेट किया दिस इज योर यू ई, यू कैन सी हेयर यू ई इक्वल टू 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे सो यू विल गेट यू ई इज फ्रॉम हेयर आई एम जस्ट दिस इक्वेशन आई एम सॉल्विंग, यहाँ से हमें मिलेगा यू ई इक्वल्स टू एफ ई मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइड बाय एफ ई प्लस डी, सॉल्व किए जैसे रेसिडेंस करते आर ओन आर टू बाई आर ओन प्लस आर टू वही मेथड लगाया। सो जनरल केस में आपका एल कितना होगा लेंथ ऑफ ट्यूब फॉर
जनरल केस इज बिकॉज आपको कभी भी वो यू ई नहीं देगा क्वेश्चन में, यू ई आपको नहीं पता होगा, सो यू हैव टू कैलकुलेट. वो क्या देगा, फोकल लेंथ दे देगा ऑब्जेक्टिव की एंड आई पीस की एंड और कुछ भी क्या है वो नहीं देगा. तो यू ई आपको कभी नहीं देगा क्योंकि इमेज आपकी अंदर बन रही है ना वो इस टाइम, तो वो आपको कभी नहीं देगा. सो वी हैव टू रिमूव यू ई. सो यू ई इज नथिंग बट एफ ई डी बाय एफ ई प्लस डी, इसको यूज़ करेंगे. सो लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी एफ नॉट प्लस एफ ई डी बाय एफ ई प्लस डी. सो दिस इज योर लेंथ ऑफ ट्यूब इन जनरल केस वेयर इमेज इज एट डी, कैपिटल डी जो 25 सेंटीमीटर पर. दिस इज लेंथ ऑफ ट्यूब फॉर केस व्हेन लेंस इज एट नॉर्मल एडजस्टमेंट. जब नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे. सो दिस इज योर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. नाउ वी गोना डिस्कस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या होता है कि आप यहाँ पे आपको जो इमेज मिल रही है वो क्या है, उल्टी है. यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज आपको मिल रही है इन्वर्टेड है. अब मुझे अगर कभी मैं दूर से क्रिकेट स्टेडियम को देख रहा हूँ और मुझे देखना है तो सारा का सारा जो मुझे दिखना चाहिए ऐसे की वजह उल्टा दिख रहा है, तो को मतलब नहीं ना हमें देखने का. तो अगर मुझे सब कुछ सीधा देखना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे मैग्नीफिकेशन इतना ही चाहिए, पर ये जो माइनस साइन आ रहा है ये हट जाए बस. यहाँ पे देखो आपका माइनस साइन आ रहा है, तो मुझे मैग्नीफिकेशन मतलब आपकी इमेज जो है फाइनल इमेज वो सीधी हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम. यही सेटअप रहेगा इसमें. फिर हम क्या करें कि हमारा जो है इमेज जो बन रही है वो क्या हो जाए, सीधी हो जाए. सो वी गोना इंट्रोड्यूस वन अगेन वन मोर लेंस हम इसके अंदर डालेंगे, तीसरा लेंस डालेंगे. इस तरह से डालेंगे कि इसका जो फोकस है, क्योंकि रे तो इन्फिनिट से आ रही है फोकस में बनेगी, दैट शुड बी लाइक कि वो 2F पे बने. क्योंकि आपने पढ़ा हो जब इमेज 2F ऑब्जेक्ट 2F पे होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, 2F पे. तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2F देन इमेज विल बी फॉर्म एट ऑल्सो एट 2F और वो इन्वर्टेड होती है. तो आपने अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है 2F के अकॉर्डिंग करेंगे तो इमेज जाएगी 2F पे एंड सेम मैग्नीफिकेशन, तो इसका मतलब आपकी इमेज ऊपर हो जाएगी. वो भी मैं सिखा रहा हूँ पर एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम क्या करेंगे. मैग्नीफिकेशन आपको इन्वर्टेड नहीं रखना है, जस्ट उसको उल्टा करना है. सो वी गोना डू दैट थिंग.